प्रसार भारती प्रस्तुत करता है नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से तैयार कार्यक्रम स्टोरी लाउंज। स्टोरी लाउंज में आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रताप सहगल की लिखी कहानी हरियाली की रानी तक। तो सुनते हैं कहानी हरियाली की रानी तक। मित्रों नमस्कार, मेरा नाम प्रताप सहगल है और मैंने विविध विधाओं में लेखन किया है, नाटक, कहानी, कविता, यात्रा वृतांत और अन्य भी, और बच्चों के लिए बहुत अच्छी कहानियां और बहुत अच्छे नाटक मैंने लिखे हैं और उनमें से कुछ कहानियों और नाटकों का प्रकाशन NBT ने किया है। और NBT ने देखिए मेरी ये एक पुस्तक बच्चों के लिए प्रकाशित की है, हरियाली की रानी। तो मैं आज आपको इसी किताब की कहानी हरियाली की रानी ही सुनाने जा रहा हूँ। हरियाली की रानी एक पंजाब का लोकेल है, पंजाब के लोकेल को लेकर लिखी गई कहानी है। कई बार होता है कि सूखा पड़ जाता है, तो ये ऐसी ही कहानी है कि पंजाब के इलाकों में सूखा पड़ गया और उस साल बारिश ना होने की वजह से फसल अच्छी नहीं हुई, लेकिन एक परिवार किसान परिवार था और उनकी एक बच्ची थी जिसका नाम था जीतू। अब जीतू को क्या पता कि फसल अच्छा होना खराब होना क्या होता है। उसका मतलब तो ये था कि बैसाखी आती है और बैसाखी का मतलब होता है नए कपड़े, नए जूते, कुछ गहने, हंसी खुशी ठट्ठा और एक तरह से घर में समृद्धि आती है। तो जीतू ने इस साल भी अपने पिता से कहा कि मुझे तो इस साल आप झुमके लेके दीजिए। तो पिता तो वैसे ही परेशान थे क्योंकि बारिश ना होने की वजह से सूखा पड़ा हुआ था उस इलाके में, फसल कहाँ से होती। बहुत मामूली सी फसल हुई, उससे तो किसान के कर्जे ही नहीं खत्म होते। तो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने उस जीतू को, अपनी बेटी को, थप्पड़ मार दिया। फिर बड़े पछताए भी कि इस बच्ची का क्या कसूर है, क्या दोष है। पर अब जीतू तो परेशान थी। अब ये सूखा सिर्फ एक साल नहीं रहा, दो साल रहा। अब जीतू को समझ में नहीं आ रही थी कि सूखा होता क्या है। तो उसने माँ से पूछा कि माँ ये सूखा इसका मतलब क्या है सूखे का। कहले कि बेटा जब बारिश नहीं आती, क्योंकि हमारे यहाँ जो फसलें हैं वो बारिश पर निर्भर करती हैं। अगर मानसून अच्छा होता है, बारिश अच्छी होती है, तो फसल भी अच्छी होती है। फसल अच्छी होती है तो हमारे घर में अच्छे अच्छे कपड़े आते हैं, गहने आते हैं और बहुत नई नई चीजें आती हैं, हंसी खुशी आती है और सारा साल बहुत अच्छे से निकल जाता है, अच्छा खाने को भी मिल जाता है। लेकिन अब जब बारिश नहीं है तो अच्छी फसल भी नहीं है। जीतू को कुछ कुछ समझ आने लगी बात, लेकिन अब वो फिर भी परेशान थी क्योंकि उसे कुछ मिल नहीं रहा था। वो जानती थी जब दो साल पहले माँ को झुमके भी मिले थे, मुझे अच्छे से सैंडल मिले थे, लेकिन अब कुछ नहीं मिल रहा था। तो उसने जाकर अपने स्कूल में अपने जो उसकी अध्यापिका थी, टीचर थी, उससे फिर जाके फिर पूछा कि टीचर ये बताइए कि बारिश कब आएगी। टीचर ने कहा कि ये तो मैं भी नहीं बता सकती, हम तो सब उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये अच्छी बारिश हो, अच्छी फसल हो, सब लोगों के घरों में खुशी आए, संपन्नता आए, लेकिन अब कैसे कहें। तो जीतू बहुत परेशान इधर उधर घूम रही थी, तो ऐसे उसको कोई संत महात्मा मिल गए। तो संत महात्मा को प्रणाम किया और उसको कहा आप ही बताइए, आप तो बहुत पहुंचे हुए लगते हैं, आप सुनते हैं, महात्माओं का सीधा रिश्ता ईश्वर से होता है। अब जीतू तो बच्ची थी, उसको क्या पता कितना रिश्ता होता है कितना नहीं होता, लेकिन उसने यही सुना हुआ था जो उसने महात्मा से पूछ लिया। तो उन्होंने कहा हाँ बेचे, बाकी तो किसी का भी रिश्ता हो सकता है। तो उसने उससे पूछा कि ये बताइए बारिश कब आएगी। अब वो भी चुप हो गए, कहने लगे कि बेटा क्या बताऊं, लेकिन मैं तुझे एक कहानी सुनाता। अब उन्होंने एक कहानी सुनाई, उन्होंने जीतू को ये कहानी सुनाई कि एक बार ऐसे ही बहुत सूखा पड़ा था और एक बच्ची थी तुम्हारे जैसी, बहुत परेशान थी। तो उसने
अपना एक हरी परी होती है, हरी परी को उसने बड़ा याद किया, हरियाली की रानी को याद किया। हमने कहा हरियाली की रानी क्या होती है, हरी परी क्या होती है? कहते हैं ऐसी पंजाब में जैसे परियां आप जानते हो, और भी इसमें सब्ज परी कहते हैं यहाँ पर, तो उसको अगर बच्चे अच्छे मन से याद करें, सच्चे बच्चे मन के सच्चे वो मन से याद करें, तो फिर उनकी कृपा हो जाती है। अब उसने एक तसल्ली देने के लिए जीतो को ये कहानी सुना दी और जीतो को ये कहानी बहुत अच्छी लगी। अब वो तो रात दिन प्रार्थना करती रहती कि हे हरी परी तू आ मेरे पास, मैं तुझे खिलाऊं कच्ची गरी, बारिश ला, ये हमारे यहाँ अगर बारिश आएगी तो अच्छी फसल आएगी, अच्छी फसल आएगी तो मुझे अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे, वगैरह वगैरह। अब वो बहुत उससे अनुनय विनय करती रही करती रही करती रही। अब ऐसे ही एक दिन बहुत परेशान होकर थक कर, घर में खाना भी ठीक से नहीं पक रहा था, जीतो सो गई। लेकिन सोने से पहले उसके मन में ख्याल जो है वो हरी परी का ही था। अब वो जब सो गई तो क्या देखती है कि ऊपर बड़ा खुला आसमान है और उसमें से आसमान में बड़े बादल हैं और वहां से एक हरे रंग की परी आके उसके सिरहाने पर बैठ जाती है और वो उसको जीतो को कहती है कि जीतो तू बड़ी दुखी है, चल मैं तुझे सैर करवा के लाती हूँ। कहते कहाँ? कहते बादलों की सैर करते हैं, वहां देखो कितनी बारिश होती है। अब जीतो तो खुश हो गई, वो उसके पंखों पर सवार हो गई, वो परी ने अपने पंख फैलाए और ऐसे ऐसे उड़ने लगी और जीतो बैठी हुई थी उसकी पीठ पर और थोड़ी देर में वो पहुंच गए आसमान के ऊपर बादलों के पार, बड़े बादल ही बादल। वहां तो बहुत देखते हैं तो पानी है, बारिश है और उसको देखते हैं वहां हरे हरे बाग हैं। जीतो बड़ी प्रसन्न थी और सोच रही थी कि ऐसी हरियाली पृथ्वी पर कब आएगी। अब सोचते सोचते उसने फिर उससे पूछा, हरियाली की रानी ये बताओ कि पृथ्वी पर अब हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे देश में, हमारे पंजाब में ये हरियाली कब आएगी? तो उसने कहा परी ने कि देख जीतो तू बच्चा है और बच्चे मन के सच्चे होते हैं और जब वो सच्चे मन से मुझे याद करते हैं तो मैं जरूर उनकी मनोकामना, उनकी इच्छा पूरी करती हूँ। तो क्या हुआ, एक झम से बूंद गिरी जीतो की गाल पर पड़ी, दूसरी गिरी जीतो की दूसरी गाल पर पड़ी, फिर झम 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 वो झमाझम हो गया और जीतो की आंख जैसी अभी हिल रही थी तो माँ ने कहा जीतो उठ बारिश आ गई है। ओ जीतो तो हरियाली की रानी के साथ थी, सपना टूट गया। लेकिन हरियाली की रानी ने सपने में जो उसको कहा था वो सच हो गया, बारिश आई, खूब बारिश आई और फिर उनके खेत लहलहाने लगे, चारों तरफ हरियाली हरियाली आ गई और फिर अगले साल जीतो को खूब खूब सारी मिठाइयाँ, अच्छे अच्छे कपड़े और उसको झुमके भी मिले, उसको अच्छे सैंडल भी मिले। अब जीतो खुश थी, जीतो की माँ भी खुश थी, सब लोग खुश थे। तो कहानी का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर आप सच्चे मन से कुछ सोचते हो करते हो तो वो हो भी जाता है। दूसरा मतलब क्या निकला कि सूखा बहुत भयंकर चीज है, अगर सूखा पड़ जाए तो बहुत कठिनाइयां होती हैं। तीसरा मतलब क्या निकला कि हमारी जो खेती है वो मानसून पर निर्भर है, इसलिए हमें मानसून के साथ साथ पानी की और वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी करनी चाहिए। तो ये सारे कहानी के अर्थ निकलते हैं। तो क्यों बच्चों, आपको कहानी पसंद आई? और मेरे साथ जो बड़े जुड़े हुए लोग हैं मुझे उम्मीद है उन्हें भी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी और वो इस कहानी को अपने और बच्चों के साथ भी शेयर करेंगे।
धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रताप सहगल की लिखी कहानी हरियाली की रानी तक। हम आपको बता दें कि कल हम आपके लिए लेकर आएंगे रमेंद्र कुमार की लिखी कहानी बूंद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रसारण की प्रस्तुति थी।